हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। देखो मेरा एक मोटिवेशनल वीडियो आने वाला है और जल्दी ही वो आएगा और उसको देखना ज़रूर, ठीक है। अब देखो मैं मोटिवेशन पे उसको आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यू गाइज आर माई एसेट यार, तुम लोग मेरे एसेट्स हो, ठीक है। तो तुम लोगों को तो ऊपर ले जाना, यही मेरा सपना है। अच्छा देखो, ये 27 अगस्त 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी ऑन योर स्क्रीन, वॉच अच्छे से उसको, पहले क्वेश्चंस को देखो, ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद उसका आंसर हम करवाएंगे, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन मतलब कम से कम 200 बार पूछा होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ना। तो अब ये अजय देखो एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं ना, कि आप उसकी लिस्ट बना लो कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखो दो दो नंबर करके ही बेटा बनेगा 500 नंबर, इतना याद रखना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इज बेस्ड ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लो कि विच इज़ नॉट, देखो नॉट वर्ड है, अभी उसको वो स्क्रीन पे वो गोला कर देगा ना। व्हाट नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, कि फिस्कल पॉलिसी का जो है, सॉरी मैंने ये वीडियो में बोल दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी इज़ नॉट मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी ना, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द कंट्री, टू प्रमोट प्राइज स्टेबिलिटी, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, टू प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसको मैं एक ही बार में आपको समझा दे रहा हूँ पूरा। देखो पहली बात तो देखो, जब भी तुम CGL के लिए जाना, तो जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिविल का तैयारी कर रहा हो बंदा, चाहे वो CDS, NDA, CGL, रेलवे, फलाना फलाना फलाना, किसी भी एग्जाम के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए का मतलब एग्रीगेट, ए का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट्स, मतलब जब हम पूरे अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना तीन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो एक तो होती है फिस्कल पॉलिसी, फिर दूसरे नंबर पे होती है तुम्हारी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, और तीसरे नंबर पे तुम्हारा होगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मतलब ये तीनों जो पॉलिसी हैं अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, छोटा बड़ा एकदम बड़ा, सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तीनों पॉलिसी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। MACRO, देर इज़ ए मीन्स एग्रीगेट, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीगेट, तो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, समग्र, ठीक है। दो तरीके इकोनॉमिक्स होती है ना, एक मैक्रो, एक होती MICRO, ठीक है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ए की। इसकी तीन पॉलिसी को हमेशा आप पढ़िए, पहले नंबर पे फिस्कल पॉलिसी, दूसरे नंबर पर मॉनेटरी पॉलिसी, और तीसरे नंबर पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। तो ये तीनों पॉलिसी आपको पढ़ना बहुत क्या है, जरूरी है। तो क्वेश्चन जो ये आया हुआ है, ये फिस्कल पॉलिसी से आया है, 27 अगस्त 2016 CGL एग्जामिनेशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में, और यही क्वेश्चन आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर में देखना, 10 बार पूछा होगा फिस्कल पॉलिसी, छोटे बड़े एग्जाम में, सिविल में भी कई बार पूछा हुआ है। तो ध्यान से देखो, देखो बस इसेंस समझो, इसेंस का मतलब क्या होता है, कि मतलब आप इस वीडियो के बस एक छोटी सी लाइन को बस आप समझो, तो उतने से आपका बात क्लियर हो जाएगा, आप पढ़े हो चाहे ना पढ़े, हमसे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो बात क्या बोल रहा है, फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में नॉट वर्ड लगा है ना, कि फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहले तो ये समझो कि व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल पॉलिसी। देखो फिस्कल पॉलिसी जो बनाई जाती है आपके देश में, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। चाहे फिस्कल पॉलिसी बनाओ, चाहे एजुकेशन पॉलिसी बनाओ, चाहे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाओ, चाहे फॉरेन पॉलिसी बनाओ, चाहे वो कोई भी पॉलिसी आप, चाहे चाणक्य नीति बनाओ, है ना, चाणक्य नीति बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, तो हर एक पॉलिसी का अपना अपना कोई ना कोई क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं उनके गोल्स को क्या करना, अचीव करना। अब देखो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, अच्छा प्लीज़ कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा इस बात को, समझ में आ कि नहीं आएगा। व्हाट फिस्कल, फिस्कल का मतलब होता है, इट्स अ ग्रीक वर्ड, ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक, और ग्रीक में फिस्कल का मतलब क्या होता है, फिस्क, क्या होता है, फिस्क, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फिस्क, फिस्क का मतलब होता है बास्केट, बास्केट मतलब समझते हो, टोकरी, टोकरी में समझो, कि मान लेते हैं कि व्हाट कि मान लेते हैं, अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि क्या लिख रहा है, बास्केट, तो बास्केट बना दिया, मैंने क्या बना दिया, बास्केट।
अब ये बास्केट हो गया समझ लो, तो इस बास्केट में पहले पैसा आएगा, कम्स, रुपया क्या हुआ, आया, और इसी से जो है रुपया क्या हुआ, गया, गोज, ठीक है ना। तो पैसा आया और पैसा गया, अब उसकी जो पॉलिसी बन गई, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, फिस्क। फिस्क मतलब बास्केट। देखो अब ये लंबा चौड़ा बताएंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो हमने एक सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। फिस्कल पॉलिसी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी टू अचीव द गोल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल, तो फिस्कल का मतलब क्या हुआ, फिस्क, और फिस्क का मतलब क्या हुआ, बास्केट, और बास्केट का मतलब ये बास्केट बन गया। अब बास्केट में पैसा आया, पैसा क्या हुआ, गया, उसकी जो टोटल पॉलिसी बनेगी, जो एग्रीगेट पॉलिसी बनेगी, उसको फिस्कल पॉलिसी कहेंगे। अब देखो बात करते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, हम इसकी बात करते हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो कुछ नहीं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर हम एक बहुत सिंपल सी बात करें तो आपकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, मतलब सभी लोगों को रोज़गार मिले, ठीक है, सभी लोगों को क्या मिले, रोज़गार मिले। फिर दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो आपकी देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो काफ़ी तेज़ी से क्या हो, बढ़े। फिर अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, कि आपके देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का रिसोर्स हो, चाहे नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे मैन मेड रिसोर्सेज हो, ठीक है ना, चाहे नेचुरल रिसोर्स हो या मैन मेड रिसोर्स हो, उसका प्रॉपर एलोकेशन हो। प्रॉपर एलोकेशन का मतलब उसका आवंटन जो है वो ढंग से हो, समझ में आ गई नहीं, और जो भी हमारे देश में इनकम है उसका प्रॉपर क्या हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, क्या हो, इनकम, वेल्थ, जो भी चीज़ें हैं उनका प्रॉपर क्या हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम बात करते हैं तो अब जैसे आप उसमें जो भी ऑप्शंस देखेंगे तो उस ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन है वो बात कर रहा है लिक्विडिटी की। किसकी बात कर रहा है, लिक्विडिटी की। तो देखो वो तो मैं बाद में बताऊंगा कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। जैसे मान लिया आपके जेब में 10 रुपये है, तो दैट इज़ कैश, एंड कैश इज़ वॉट, लिक्विड, उसी को क्या बोलेंगे, लिक्विड। तो दीज आर जो लिक्विडिटी की बात करते हैं ना, लिक्विडिटी का मतलब एक तरीके से आप ये समझो कि वो मनी सप्लाई से क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो मनी सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए, अपने अपने इकोनॉमी में मनी सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, ध्यान से इस बात को ध्यान। तो वो तो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव, इसलिए वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसमें से कोई भी मान लीजिए उसमें से आपको ऑप्शन दे देगा, फिर ऑप्शन से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो अगर फिर से इधर से देखो ध्यान से, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी का मतलब तरलता, तरलता मतलब वर्ड, जैसे मान लीजिए कैश की बात करें तो वो तरल वर्ड होता है इकोनॉमिक्स में। तो जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई का एडजस्टमेंट के लिए कौन सा पॉलिसी बनता है, मॉनेटरी पॉलिसी, कौन सा बनता है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब उसमें से वो ऑप्शन डिफर हो गया। अब देखो क्या करेगा, पहले मैं आपको ये बात एकदम क्लियर बता रहा हूँ, जब भी फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव से, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव से और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव से, अगर तीन वाले ऑब्जेक्टिव से अगर क्वेश्चन पूछता है, तो वो क्या करेगा, क्या करेगा कि जैसे चार ऑप्शन बनाएगा, चार ऑप्शन में कभी मॉनेटरी पॉलिसी का घुसेड़ देगा, कभी जो है वो फिस्कल पॉलिसी का घुसेड़ देगा, कभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का घुसेड़। तो आपको करना क्या है कि आपको तीनों पॉलिसी के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेने हैं, इसके बाद उसको रोटेट करते रहिए, आपका आंसर सॉल्व होता रहेगा। इट्स वेरी इजी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी इज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कौन बनाता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है, आरबीआई, ध्यान सुनना, मॉनेटरी पॉलिसी इज प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई, और किस लिए बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, मनी के फ्लो को एडजस्ट करने के लिए, इसको हम बोलेंगे व्हाट, मनी सप्लाई। बाकी आप क्लास में जानते ही हो, मैंने अच्छे से पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर बात कर रहा है फिस्कल पॉलिसी, तो जब भी फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बना देते हैं, और इसको बनाने का काम कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है 2 महीने के लिए बनती है, और ये 1 साल के लिए बनता है, कितने साल के लिए बनता है, 1 साल के लिए बनता है। तो इस तरीके के जेन्युइन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस को आप अपना रिपीट कर लो, तीनों को ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लो। अच्छा, ट्रेलर जब भी आएगा मेरा मोटिवेशनल वीडियो का, प्लीज़ वॉच हिम, अरे वो सॉरी उसको अच्छे तरीके से वॉच करिएगा, क्लियर। और जितना हो सकता है दोस्त, भाई, बंधु, उसको उसको शेयर करिएगा, और उसके रीच को क्या, सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही नहीं हैं, समझ में नहीं है, माथा ख़राब कर दिया तुम लोग, चला बोलते बोलते हमारा गला बैठ गया। ओके।